सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ गो आउट वाईटी। और आज हम एक नया गेम लेके आए हैं जिसका नाम है सिटी स्काईलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया सिटी के साथ। तो मैं फर्स्ट हम जाएंगे न्यू गेम पे और मैं इनमें से कोई भी एक चूज कर लूंगा। मैं इस पे खेलना चाहता हूँ आईलैंड, क्योंकि इसका जो नाम है वो काफी खूबसूरत है। लेकिन हम हमारे सिटी का कुछ नाम रखेंगे, जैसे कि मेरे को अच्छा लग रहा है चटकपुर रखते हैं। और यहाँ पे हम दबा देते हैं स्टार्ट बटन को। गाइज, वर्ल्ड खुलते ही हमारे पास एक हेलो मैसेज आ चुका है और यहाँ पे मेरे को इतना बड़ा एक स्पेस मिला है जहाँ पे मेरे को अपनी सिटी बनानी है। यहाँ से मेरा हाईवे जा रहा है, ये इन एंड आउट का रोड है। यहाँ पे मेरे को दो नदी दिख रही, मतलब दो तो नहीं है, एक हल्का सा यहाँ से है और दूसरा ही मेन नदी है। अब ये जो जगह मिला है इसमें हम हमारे बस्ती बसाएंगे, सिटी बसाएंगे। चलिए काम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणपति बप्पा। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे पास अभी बैंक बैलेंस जो है वो 70,000 यूरोज या फिर जो भी है इसका वो है, पाउंड है यूरो है मुझे नहीं पता। 70,000 रुपए ही मेरे को लग रहा है लिमिटेड है, इसको हमको अच्छी तरीके से खर्च करना पड़ेगा। तो मैं पहले रोड बनाना स्टार्ट करता हूँ, रास्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इन वाला रास्ता बनाते हैं, आउट वाला बाद में देख लेंगे कहाँ से निकालना है इनको। पहले घुसने तो देते हैं, बाद में निकालने का सोचेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन चल। अबे शिट, ये भी टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। यहाँ से भी एक थोड़ा छोटा सा रोड निकालना चाहता हूँ इधर तक, और यहाँ से मैं यहाँ तक एक रोड निकाल दूंगा। पहले पहले जो इंडस्ट्रीज रहेगी मेरी, यहाँ पे मैं लगा दूंगा इंडस्ट्रीज एरिया। और इधर में मैं रेसिडेंशियल करने का सोच रहा हूँ फिलहाल के लिए। हम लोगों को यहाँ पे रहने देते हैं, ये वाला एरिया पे रहने देते हैं, ये वाला एरिया पे रहने देते हैं, यहाँ पे भी रहने देते हैं, यहाँ पे भी रहने देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंडस्ट्रियल एरिया बना देता हूँ ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मेरा जो मार्केट एरिया है ना, ये है लो डेंसिटी कॉमर्शियल जोन। तो इसका मतलब ये मार्केट है कॉमर्शियल, बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे लोग रहेंगे तो इसको खाना पीना खरीदना भी तो पड़ेगा ना। तो मार्केट एरिया को हम इधर रख देते हैं फिलहाल के लिए, एक एरिया ही काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, बाद में देखा जाएगा। अगर चलो छोटा सा इधर भी बना दिया। मैं इसको थोड़ा चलाता हूँ, देखते हैं कौन सा घर की नींव पहले रखी जाती है यहाँ पे। अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है, मेरी सिटी में कोई रहने नहीं आए। आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई, इसमें कहीं पे नींव तो रख दी किसी ने। ये बन गया, यस यस गाइस, बन रहा है अपने 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 सिटी चटकपुर में। लोग आ गए गाइस, देखते हैं कौन सा घर पहले कंप्लीट होता है। होपफुली यही वाला होगा। यस, यही वाला घर कंप्लीट हो गया। बंदे ने घर तो मस्त बना लिया यार, फेवरेट ब्लू एंड वाइट कलर्स की पेंट किए, घर भी बहुत मस्त बनाया है। पॉज करते हैं और पानी और बिजली का समस्या को सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास 51,000 हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देख के खर्च करना पड़ेगा। ये मेरा है पानी वाला पंप, होपफुली यही है वाटर पंपिंग स्टेशन। हाँ यही मेरा पानी वाला पंप यही है, इसको लगा देते हैं इधर में। ये लगा दिया मेरा पानी वाला पंप। इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी इसको। ये है 19, ओ माय गॉड, ये बहुत महंगा है भाई। ये 6,000 में आता है और 8 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, विंड मिल्स लगा देता हूँ फिलहाल के लिए, यही लगा देता हूँ फिलहाल के लिए, प्रॉब्लम ना हो। 3 लगा देते हैं, 3 से हो जाएगा होपफुली। ये क्या है, ये है पावर लाइन, अच्छा बिजली की तारे। तो हम इधर से यहाँ तक कनेक्शन देते हैं। सिटी ऑलरेडी कनेक्टेड तो है, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो चलो इसको चला के देखते हैं। अब बिजली की समस्या अभी भी दिखा रहा है, पानी का समस्या भी दिखा रहा है। पानी का पंप नहीं चल रहा है क्या? ओ ग्रीन एनर्जी, 15 XP तो मिल गया मेरे को, ग्रीन एनर्जी का कुछ मिल गया। ये क्या दिखा रहा है, वाटर पाइप, अच्छा पाइप लगानी पड़ेगी भाई साहब। तो इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। अब हम काम करते हैं पाइपलाइन की। लीन का पानी का समस्या जा चुका है, आके देखना पड़ेगा। अरे अभी तक पानी दिखा रहा है क्यों? ओ चला गया, पानी वाला समस्या चला गया।
पानी वाला समस्या चला गया गाइस, अब बिजली वाला समस्या अभी तक दिखा रहा है मेरे को। बिजली वाला समस्या, बिजली के साथ साथ ये कुछ नया दिखाने लग गया। अब ये है मल्टीपल प्रॉब्लम, है स्मेल्स लाइक ए सुअर इज हेयर। अच्छा क्या बोला तूने? है स्मेल्स लाइक ए सुअर इज हेयर। अब इनको स्वेज सिस्टम भी चाहिए, वाटर ड्रेन पाइप, यही है स्वेज। चलो इसको भी पानी के किनारे ही लगाना पड़ेगा बेसिकली। इसको भी हम यहीं पे सेट कर देते हैं, इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। होपफुली ये हो जाना चाहिए। टीम इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी क्या? स्विच का प्रॉब्लम भी चला जाना चाहिए। स्विच तो कनेक्ट तो कर दिया मैंने सारा, स्विच नहीं चल रहा क्या? चल तो रहा है भाई। तो भाई इनको क्या प्रॉब्लम है अब? चला गया प्रॉब्लम चला। बस इनको बिजली का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम कैसे भी दूर करना पड़ेगा। काम करता हूँ मैं, यहाँ से दो टावर इधर लगा ही देता हूँ। होपफुली इनसे बिजली मेरी कनेक्ट हो जाएगी और इन घरों का बिजली का प्रॉब्लम चला जाएगा। यस, जो सोचा था वही हुआ, इनका बिजली का प्रॉब्लम चला चुका है। अब ये फिर से यहाँ पे नए घर बनने भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्री का डिमांड हो रहा है मेरे को लग रहा है, मतलब लोग आने लग गए ना, तो अब इंडस्ट्री का भी डिमांड चालू हो गया। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, ये देखो 32 लोग आ गए। लेकिन मेरा पैसा फ़िलहाल के लिए खर्चा हो रहा है, मेरे पे पैसे ज़्यादा तो है नहीं, बस 16-17 हज़ार ही है। अब इसको ध्यान से मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए बिजली का अपना इशू सॉल्व हो चुका है, बिजली की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं 24 मेगावाट का, और लग रहा है अभी 5 मेगावाट का, मतलब हम डबल से भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसमें मेरे को प्रॉब्लम है नहीं। और पानी भाग का भी कोई प्रॉब्लम और स्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी और स्वेज एकदम बढ़िया है, लोग पैसे कमा भी रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही है और हमारा भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है। भाई ये इस बंदे को देखो कितनी तेज़ी में रात में कहीं जा रहा है, इसको फॉलो करते हैं कहाँ जा रहा है। ए रुक, इसका नाम है विलियम ब्लैकवेल। ये अनएडुकेटेड एडल्ट है। लॉल, गोइंग टू वर्क। भाई रात में कौन काम में जाता है? अच्छा नाइट ड्यूटी लगी होगी अपने लौंडे का, कोई बात नहीं। ओह भाई इसको देखते देखते देखो अपना लिटिल हैमलेट वाला ये कंप्लीट हो चुका है। 400 की पॉपुलेशन हम रीच कर चुके हैं और हमको हेल्थ केयर, मेडिकल क्लियर और यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल वगैरह सब खुल चुका है, तो हम इनका भी सेटअप कर सकते हैं अब। ओके भाई आराम से जाना, अच्छे से काम करना, अच्छे से पैसे कमाओ, नौकरी करो और मेरे को भी पैसे दो। डेटा हम करते हैं हमारा सबसे पहला हॉस्पिटल का सेटअप। हॉस्पिटल की ज़रूरत भाई सबको होती है और मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल एकदम लाइक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इसको कोई तकलीफ ना हो और सब लोग इसका एक्सेस कर पाए, ऐसी जगह पे होना चाहिए। इधर अपना पहला हॉस्पिटल रख देते हैं। देख रहा होगा इस कितने खुश हो गए सब लोग हॉस्पिटल देख के। ये है लैंडफिल साइट्स, अच्छा डंपिंग एरिया है ये, डंपिंग एरिया तो इसमें यहाँ पर नहीं रख सकते। यहाँ से थोड़ा दूर में एक रास्ता निकालते हैं और यहीं कहीं पे हम डंपिंग एरिया को शिफ्ट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, ताकि हमारा जो कचरा है वो हमारे सिटी से और इंडस्ट्रियल एरिया दोनों जगह से थोड़ा दूर ही रहे। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपना बंदे लोग सब अनएडुकेटेड है, तो अभी हमको एडुकेशन देनी है इनको। तो एक काम करते हैं, हम हमारा जो ये वाला स्कूल है एलिमेंट्री स्कूल, इसको फिक्स कर देते हैं। ओके गाइस, तो हमने फिक्स कर दिया स्कूल और देखो सारे लोग खुश हो गए हमारे शहर के। शहर के लोग बोल रहे हैं हमारा नेता कैसा हो, गौ ट्वेटी जैसा हो। मेरे को सुनाई दे रहा है, तुम लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है लेकिन मेरे को सुनाई दे रहा है। लोग ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं भाई, हेल्थ केयर गोज यूनिवर्सल अराउंड द वर्ल्ड। जो भी है बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं लोग एलिमेंट्री स्कूल से ही। वो और इंडस्ट्रीज चाहिए गाइस, लोगों को और इंडस्ट्रीज चाहिए, काम करने के लिए लोग तरस रहे हैं। हम एक काम करते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज डाल देते हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्री डाल दिया तो वाटर लाइन का भी बंदोबस्त मेरे को करना पड़ेगा यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक करके रख छोड़ देता हूँ। रोड हैव नाउ नेम्स, क्लिक ऑन द नेम टू ओपन एंड इंफॉर्मेशन पैनल अबाउट द रोड एंड क्वेश्चंस। ओके, अच्छा रोड पे नाम भी आ गए लोगों के। ये स्कारलेट वेट स्ट्रीट है ना, इसको मैं नाम चेंज करके रख देता हूँ, वाइटी लेन रखते हैं, वाइटी लेन। देखो इसका मैंने नाम रख दिया वाइटी लेन, अब वाइटी लेन से लोग यातायात करेंगे। और ये जो रोजमेरी वाला लेन है ना, इसका नाम क्या, कुछ सोच रहा हूँ क्या रखूँ। एक काम करना गाइस, तुम लोग मेरे को सजेस्ट करना कमेंट में मेरे को अच्छे अच्छे नेम सजेस्ट करो,
बहुत सारे रास्ते हैं, सारे रास्तों में हम एक एक करके नेम लगाते जाएंगे, तुम लोग एक एक करके नेम सजेस्ट करते रहना मेरे को। ओ भाई ने 800 पॉपुलेशन भी क्रॉस कर लिया गाइज, ओवर दी विलेज भाई। इसमें हमको क्या क्या मिला, डिस्ट्रिक्ट मिल गया, पॉलिसीज मिल गया, सेकेंड लोन भी मिल गया, डिस्ट्रिक्ट स्पेशलाइजेशन ये पुलिस डिपार्टमेंट आ गया, यूनिक बिल्डिंग्स आ गई, फायर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन, भाई बहुत कुछ आ गया यार। और हमारे पास नया फायर हाउस और पुलिस स्टेशन आ चुका है, करते हैं हम फायर सेफ्टी हाउस डिपार्टमेंट को लगा ही देते हैं कहीं पे। हमारा जो इंडस्ट्री के पास ज़्यादा आग लगने के चांसेस होते हैं, तो एक काम करते हैं हम फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री के ही बाजू में, इंडस्ट्री एरिया है इसी के बाजू में, यहाँ पे लगा देते हैं। होपफुली ये कवर अप कर लेगा पूरा जगह, अगर चाहिए होगा तो हम दूसरा इधर लगा देंगे बाद में, फिलहाल के लिए इधर ही लगा देता हूँ। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री के लोग खुश हो गए, इधर भी लोग खुश हो चुके हैं। और एक है अपना पुलिस डिपार्टमेंट, इसको भी मेरे को करना पड़ेगा। इसका कितने प्राइस है, 12,000 का लगेगा पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन का मैं कहाँ लगाऊँ इसको, पुलिस स्टेशन ओके, इधर कर दिया हमने पुलिस स्टेशन, तो दोनों ही चीज़ें हमने लगवा दिया, एक पुलिस स्टेशन और एक फायर स्टेशन। अब होपफुली इनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा मेरे को कुछ यूनिक बिल्डिंग्स नाम का कुछ मिला था ना, यूनिक बिल्डिंग्स में क्या आता है वैसे। ओके ये क्या है, ये है लेजियर भाई 17,000, नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए भाई, भाई बहुत महंगा है ये सब नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगाने के लिए बोल रहा है होपफुली, इसमें वाटर का मीटर हो गया, इसमें स्मोक डिटेक्शन मीटर हो गया, तो फिर हम सेफ फायर से सेफ लगा सकते, मतलब सेफ कर सकते हैं लोगों को। इनको देखो, इनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी का मैप कहाँ है, इनको इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं आ रही है, आ तो रही है भाई। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई घट गया, ओके मेरे को ये बड़ी वाली मशीन लगानी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं है फ़िलहाल के लिए। मैं करता हूँ फिलहाल के लिए एक और पंखा अटैच कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसको लगाने के लिए पैसे तो इतने हैं नहीं अपने पे। काम तो मैं कर सकता हूँ, ये जो कोल जनरेटर है अपना, इसको तो मैं लगा तो सकता हूँ, लाइक इसके लिए मेरे को कुछ पैसे उधार चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो मैंने देखा यहाँ पे लोन लेने का ऑप्शन आ रहा था मेरे पे, तो मैं दो लोन ले सकता हूँ, एक सिल्वर सनसेट बैंक से जो 20,000 का है, एक ग्लोबल क्रेडिट INC से जो 60,000 का है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लोन लेके ये बना लूँ, लेकिन फिर सोच रहा हूँ लोन लूँगा तो चुकाना भी तो पड़ेगा भाई, ये भी तो सीन है। 5% इनका इंटरेस्ट रेट है, इसका 10% इंटरेस्ट रेट है भाई, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भाई, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है सच में किसी रियल सिटी के अंदर आ गया मैं। इंडस्ट्री एरिया में कितना धुआं, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन भाई, इंडस्ट्री एरिया में सिर्फ पॉल्यूशन, धूल ही धूल। इसको भी कम करने का कुछ तो मेरे को सोचना पड़ेगा बेसिकली, लेकिन जो भी हो रहा है मस्त लग रहा है वैसे। यहाँ पे ना मैं कुछ पार्क वगैरह सेट कर लूँगा, ताकि जो लोग आ रहे हैं ना यहाँ से, तो इनको भी लगेगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं तो आ गए, बढ़िया मस्त विलेज में। यहाँ पे लोगों को पानी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, इनका पानी का प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं, मिनटों का काम घंटों में नहीं करेंगे, हम मिनटों में ही कर देंगे। अपनी सरकार बहुत मस्त है यहाँ पे, ठीक है, पानी का प्रॉब्लम हम यूँ सॉल्व कर देते हैं। ये यहाँ से ये खींच दिया और यहाँ से ये खींच दिया, प्रॉब्लम हो गया पानी का सॉल्व, ठीक है। देख रहे कितनी आसानी से पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मक्खन है ब्रो। और फिर से मेरा जो बिजली का प्रोडक्शन है वो घट रहा है धीरे धीरे। अभी मेरे को पैसा जमा करके एक लोन ले ही लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं 20,000 का लोन ले लेता हूँ फटाफट से, और इसमें से मैं खर्चा करूँगा कोल जनरेटर पे, इस पे ये खुद साला 19,000 का है भाई, 20,000 का लोन लेके क्या ही फायदा हुआ मेरा। चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया है तो ले लिया है, कोल जनरेटर हो गया। देखो हमने कोल जनरेटर भी लगा दिया, अब बिजली का प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। अभी देखो अभी हम कितना मेगावाट प्रोडक्शन करेंगे, हम 72 मेगावाट का एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे अभी, ठीक है, एकदम बढ़िया से, किसी भी को बिजली का प्रॉब्लम नहीं आएगा अभी। सारे को प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, इंडस्ट्री भी मेरी अच्छी खासी ग्रो हो रही है। बोलते बोलते भाई टाइनी टाउन आ चुका है, और हमको लैंडस्केपिंग, पार्क, प्लाजाज, पेट बैंड, स्मोकिंग मैनी, कुछ पॉलिसीज ने अनलॉक हो चुके हैं, और कुछ रोड्स अनलॉक हो चुके हैं। सिटी क्वे ये क्या है पता नहीं,
जो भी है ये भी अनलॉक हो चुके हैं, मीडियम कैनल वगैरह कैनल भी अनलॉक हो चुके हैं, ये भी अनलॉक हो चुके हैं, फूड वॉल फ्लड वॉल, अच्छा फ्लड वॉल भी अनलॉक हो चुका है, बहुत कुछ अनलॉक हुआ है भाई, बहुत कुछ टाउनशिप में जो जो चीज़ें होती हैं ना बहुत कुछ अनलॉक हो चुका है। अच्छा पब्लिक लाइब्रेरी मिला है वैसे हमको, बास्केटबॉल कोर्ट, बोटानिकल गार्डन, ये सब कुछ हमको मिल चुका है, उसके साथ हाई स्कूल भी मिल चुका है। आज जो हमारा वीडियो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा वहीं से हम टाइनी टाउन से शुरुआत करेंगे, चटकपुर को हम एक मिनी टाउन में कन्वर्ट कर देंगे। एपिसोड अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में सिटी स्काईलाइन के। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू गाइस, सी यू सून।